हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपका ये 11th क्लास सबसे क्रिशियल क्लास है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है। रीजन क्या है कि आपके IIT मेंस का जो 47% सिलेबस है वो आपका 11th से आता है, 40 रिमेनिंग 43 12th क्लास से आता है। नीट के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 11th क्लास के होते हैं, तो आपको उसको रेगुलरली पंक्चुअली अच्छे से फोकस करना है, न्यूमेरिकल पर कमांड करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और समझ करके आगे बढ़ना है। आइए अब हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करें जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। नीचे कुछ बॉडी दी गई है, किस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास आउटसाइड लाई करता है? ओके, पहला है पेंसिल, शॉर्ट फुट, डिस्क, बैगल। देखिए पहले पेंसिल की बात करें तो पेंसिल एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके इनसाइड ही लाई करेगा। और शॉर्ट फुट जो है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके अंदर ही लाई करेगा। डिस्क एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मटेरियल के इनसाइड ही लाई करेगा। बैंगल ये एक रिंग है, देखिए ये एक बैंगल है, ये एक रिंग है, इसका सारा मास यहाँ लाई करता है, जबकि सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होता है जहाँ कहीं कोई भी मास नहीं होता है। तो बैंगल या रिंग का सेंटर ऑफ मास आउटसाइड लाई करता है जहाँ पर कोई मास नहीं होता है। आउटसाइड मतलब हो गया जहाँ कोई मास ना हो, तो रिंग या बैंगल का सेंटर ऑफ मास आउटसाइड लाई करेगा जहाँ कोई मास नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा कि आंसर अ बैंगल। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फिगर वी नो दैट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। किसी बॉडी का या किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास दो बातों पर डिपेंड करता है, एक उस बॉडी का शेप कैसा है। अगर शेप चेंज कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन दो बातों पर डिपेंड करती है, एक शेप ऑफ द बॉडी, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अगर शेप ऑफ द बॉडी हम चेंज कर देंगे तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज कर देंगे तब भी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। ओके, इन फर्स्ट थ्री केसेस सेंटर ऑफ मास लाइज इनसाइड द बॉडी एज दे आर रिजिड, चाहे हम पेंसिल की बात करें या शॉर्ट फुट की बात करें या डिस्क की बात करें, इन ये तीनों रिजिड बॉडी है, तो इनमें सेंटर ऑफ मास इनसाइड द मटेरियल लाई करता है। इन बैंगल इट लाइज एट द सेंटर व्हिच इज आउटसाइड द बॉडी, और बैंगल के केस में सेंटर पर लाई करता है सेंटर ऑफ मास जो कि बॉडी की आउटसाइड है, क्योंकि इनसाइड ये माना जाएगा जहाँ पर इसका मास कंसंट्रेशन है, इनसाइड ये माना जाएगा जहाँ इसका मास कंसंट्रेट है। ओके, आइए हम नोट देखते हैं। नोट में फर्स्ट पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है, केवल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इनडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास की पोजिशन है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहे जहाँ कंसीडर करो, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वही रहेगी। हाँ, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए, पोजीशन वही रहेगी लेकिन कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। तो किसी भी बॉडी में सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती, उससे इनडिपेंडेंट होती है। हाँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर देंगे तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे लेकिन पोजीशन वही रहेगी। द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास। जो सेंटर ऑफ मास है वो शेप ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सर्कुलर डिस्क इज विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। अगर हम किसी सर्कुलर डिस्क की बात करें तो सेंटर ऑफ मास उसके मटेरियल के अंदर होता है। इन केस ऑफ सर्कुलर डिस्क इट इज आउटसाइड द बॉडी, सर्कुलर रिंग के केस में ये आउटसाइड में लाई करता है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट पहले देखते हैं। वी कैन इमेजिन अ रिजिड बॉडी आल्सो एज ए सिस्टम ऑफ मासेस एंड हेंस एवरी रिजिड बॉडी
इन केस ऑफ रेगुलर शिप बॉडी कूलिंग टर्म रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ मास इज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, मींस हर एक रिजिड बॉडी को हम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो हर एक रिजिड बॉडी का अपना सेंटर ऑफ मास होता है, वो सेंटर ऑफ मास अगर वो रेगुलर शिप की बॉडी यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी है तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाया जाएगा, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है तो फिर ज्योमेट्रिकल सेंटर को सेंटर ऑफ मास का अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, प्रॉब्लम नंबर टू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज लाइकली पोजीशन ऑफ द सेंटर मास ऑफ सोन इन द फिगर। नीचे जो फिगर दिया गया है इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया जा सकता है, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। आइए देखें, ये एक हॉलो स्फीयर है जिसमें आधे में एयर भरी हुई है, आधे में सैंड भरी हुई है, सैंड वाला पोर्शन हैवी होगा। अगर हम इस हॉलो स्फीयर के मास को एम वन मान लें, सैंड के मास को एम टू मान लें, तो ये एम वन एम टू दो मास से मतलब बना हुआ है। हमने बताया था कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी बॉडी तरफ लाइन करता है, तो हैवी ये सैंड वाला पोर्शन पड़ेगा, तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लाई करता पॉइंट सी पर लाई करेगा, रीजन कहेंगे हैवी मास की तरफ लाई करता, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। आई एक्सप्लेनेशन देखें, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इन दिस प्रॉब्लम इज क्लोजर टू द हैवियर मास। इस प्रॉब्लम में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हैवियर मास की तरफ, हैवियर मास की तरफ होगी। वी कैन से इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, या हम कह सकते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, सो इट इज लाइकली एट सी, इसलिए सी पर पाया जाने की इसकी पॉसिबिलिटी है। इन द अबव डायग्राम लोअर पार्ट ऑफ द स्फीयर कंटेनिंग सैंड इज मोर हैवियर देन अपर पार्ट कंटेनिंग एयर। स्फीयर का जो लोअर पार्ट है जिसमें सैंड है वो हैवियर है, तो सेंटर ऑफ मास हैवियर की तरफ लाई करता है, एंड सेंटर ऑफ मास लाई बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसलिए सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर थर्ड, आई देखिए प्रॉब्लम नंबर थर्ड, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगुलर लैमिनर, एक ट्रायंगुलर लैमिनर का सेंटर ऑफ मास निकालना। अब इसके पहले थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी बॉडी में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करता है, अगर एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर लाई करता है। यहाँ पर देखिए ये ए बी सी ट्रायंगल है, ए डी इसकी मीडियन है जो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से अगर इसको कट कर दिया जाए तो जैसा लेफ्ट साइड फिगर होगा वैसा ही राइट साइड में होगा, ऐसे बी ई इसकी सेंटर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सी एफ भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसमें थ्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक ए डी, एक सी एफ, एक बी ई, ये तीनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट को वही इसके सेंटर ऑफ मास की पोजिशन होगी, जिसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगुलर लैमिनर इज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। तो देखिए इफ अ बॉडी हैज मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ मास लाइज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज एक्सिस, अगर किसी बॉडी में एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास उन सिमेट्री उन एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर लाई करता है, तो ए डी सी एफ और बी ई मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पर लाई करता है, ईच मीडियन इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज ओ, सो ओ इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रायंगुलर लैमिनर। तीनों मीडियन इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है, जिसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो जाएगी। ओके, आइए हम प्रॉब्लम नंबर फोर की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर फोर इम्पॉर्टेंट है आपके आईआईटी मेंस के लिए, नीट के लिए, एकेडमिक के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। द डेंसिटी ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज गिवन बाय रो एक्स इक्वल टू ए 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर। कोई एक 1 मीटर की, कोई एक 1 मीटर लेंथ की रॉड है जिसकी आपको डेंसिटी गिवन है, रो एक्स इक्वल टू ए 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। आइए इसकी क्या स्ट्रेटेजी है, पहला स्टेप हम क्या करते हैं, जिस रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है उसके एक एंड को ओरिजिन पर मान लेते हैं, जिस रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है उसके एक एंड को ओरिजिन पर मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, रॉड को हमने एक्स एक्सिस के लंग रख लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट यल लेंथ की अगर रॉड हो तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यल कॉमा जीरो,
हमने यहाँ से x डिस्टेंस पर dx इसकी लेंथ ले ली राइट, x डिस्टेंस पर dx लेंथ ले ली। आइए देखें यह लेंथ का मास कितना है m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा m / n, dx लेंथ का क्या हो जाएगा m / n / dx। अब इसको हम dm मान लें, हम मान लें dm, dx लेंथ के मास को हम dm मान लें, और मास अपान लेंथ उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर मास डेंसिटी या डेंसिटी, जो कि रो दिया गया है। आपको क्या दिया गया है? रो दिया गया है, यम अपान यल को हम रो बोलते हैं। तो डीएम हो जाएगा रो इंटू डीएक्स, डीएम हो जाएगा रो इंटू डीएक्स। अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है जीरो टू यल एक्स डीएम अपान जीरो टू यल डीएम, मीन्स जीरो टू यल एक्स डीएम अपान जीरो टू यल डीएम, ये फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास। ये फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का जीरो टू एल एक्स डीएम अपान जीरो टू एल डीएम। अब एक सेम हो जाएगा जीरो टू एल डीएम की वैल्यू हमारे पास क्या है, डीएम की वैल्यू हमारे पास है रो डीएक्स, तो जाएगा रो डीएक्स अपान डीएम क्या है रो डीएक्स। अब रो की वैल्यू हम पुट कर लें तो रो है हमारा ए वन ए वन प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो जाएगा ए वन प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स अपान ये रो है ए वन प्लस बी एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये हो जाएगा आपका डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें ये तो वन इंटू बी एक्स एक्स हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बी एक्स क्यूब हो जाएगा अपान वन प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है? इंटीग्रेशन करना, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान टू, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स फोर अपान फोर, क्या एक्स फोर अपान फोर, वन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स bx स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा bx क्यूब अपॉन 3, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से l। तो ये आपका आ जाएगा x cm इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस bx 4 0 टू l अपॉन 4 3x प्लस bx क्यूब अपॉन 3 0 टू l, ये हो जाएगा 3 * 2l क्यूब। अब x के प्लेस पर हमने l रख दिया, x के प्लेस पर l पुट कर दें, तो जाएगा 3 * 2l क्यूब प्लस bl 4 अपॉन 4 * 3l प्लस bl क्यूब। यल की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, यल की प्लेस पर 1 रख दीजिए, तो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस बी अपॉन 4 इंटू 3 प्लस बी, 3 इंटू 2 प्लस बी अपॉन 4 इंटू 3 प्लस बी, ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्या जाएगा? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सॉल्व कर लेना। ओके।